शाहजेब हसन अपने वकील के हमरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं का जो के डिसिप्लिनरी कमेटी के जो चेयरमैन है उनके सामने होगी जो कि हमारी सस्पेंशन के अगेंस्ट थी, उसमें आज हमने फॉर्मल एप्लीकेशन फाइल की है और उस एप्लीकेशन का फॉर्मल रिप्लाई के लिए टाइम सीक किया है पीसीबी ने, जो कि वो 25 मई तक उसका फॉर्मल रिप्लाई देंगे और फिर हम उसका रिजॉइंडर फाइल करेंगे और उस पर हमारी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। और आज के दिन सिर्फ हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, उस पर पीसीबी को एंटरटेन हो करके नोटिस इशू किया गया है और पीसीबी ने टाइम सीक किया है और आज सिर्फ यही प्रोसीडिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ 25 मई के लिए। जी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है सर, आप समझते नहीं इतना लंबा टाइम गेन कर लिया उन्होंने 25 मई तक, तो उसके बाद अभी तक तो हेयरिंग जारी है, जख्म जो उनसे रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग हो जाएगी ट्रिब्यूनल में, तो बहुत लंबा टाइम आपने ये टाइम जी हमारा कंसेंट के साथ एग्री हुआ है दोनों पार्टीज का। ठीक है जी, हम क्या होप कर रहे हो, क्या चांसेस हैं जितने अगर आप एप्लीकेशन के जितने वकूल हो कि ये ठीक हो जाएगा? एप्लीकेशन हमने तो अभी एप्लीकेशन मूव की है, उसका अभी उनका रिप्लाई आना है, उनके रिप्लाई को देख के हम देखेंगे कि हमारा केस कितना, क्योंकि हमने तो अपना केस कंटेस्ट करना और मैटर क्योंकि सब जुडिस है बिफोर द ट्रिब्यूनल, तो अगर यहाँ पे मैं कोई बता दूंगा तो हमारा मेरे क्लाइंट का केस प्रेजुडिस हो जाएगा, तो इसीलिए मेरिट्स को मैं टच नहीं करना चाहता। लेट द पैनल, लेट द डिसिप्लिनरी पैनल प्रोसीड और वो जैसे डिसाइड करेंगे हम उसे फॉलो करेंगे डिसीजन को। तो हम तो जो जो हमें राइट्स मिल रहे हैं विद इन द पैरामीटर्स ऑफ एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल हम वो अवेल कर रहे हैं, आगे जिस तरह ट्रिब्यूनल में प्रोवाइडेड है जो चेयरमैन है डिसिप्लिनरी कमेटी के, उन्होंने बींग जज उन्होंने उसे डिसाइड करना है, तो वो जो होंगे उनके डिसीजन हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और वेट करेंगे। आपका मेन पॉइंट क्या है कि प्रोविजनल सस्पेंशन को ख़त्म किया जाए, चार्जशीट आपने देखी है बनाकर दी पीसीबी ने, उसमें से आपको क्या मेन पॉइंट लग रहा है कि उनको फिलहाल प्रोविजनल सस्पेंशन नहीं देनी चाहिए? प्रोविजनल सस्पेंशन के हमारे और ग्राउंड हैं जी, वो हमारे फॉर्मल एप्लीकेशन है, वो हमने वहाँ सबमिट करा दी है, तो वो मैं मेरिट्स को नहीं टच करूँगा जी, उसके लिए मेरी माजरत है। बाकी इंशाल्लाह हमारा 25 को उनका रिप्लाई आ जाएगा, हम रिजॉइनर फाइल करेंगे उसका, और अगर इफ़ द नीड्स अराइज अगर हमें ज़रूरत पड़ी और उस पर फिर फर्दर जो प्रोसीड होगा तो उसमें साथ ही फिर डिसीजन आ जाएगा विद इन अ डे और टू जी। ट्रिब्यूनल में आप जो चल रही है वो तो वो तो हमारा ट्रिब्यूनल में मैटर चल रहा है, वो तो हमारे जो मेन चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट चल रहा है, और जो आज थे हियरिंग थी वो तो सर हमारी थी चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने, जिसमें हमने सस्पेंशन चैलेंज की थी अंडर आर्टिकल 4.712 ऑफ द एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल 2015।